उसमें एक क्वेश्चन आया था कि पंडित लक्ष्मीचंद के दादा गुरु का नाम बताओ। आइए साथियों, पंडित भागीराम जी ने इस भजन के माध्यम से पंडित लक्ष्मीचंद जी का उसमन साहब जी का इस प्रकार से खुलासा किया है। और हमारे भाई सीताराम जी जो बड़े अच्छे मित्र हैं और इनके बच्चे बार बार करते हैं, आइए साथियों के बारे में क्या बता दिया। We'll be right back.
भी बहुत जरूरी है। जब कोई इंसान किसी की शरण में चला जाता हो और शरण में जाकर के उस इंसान के साथ में बुरा व्यवहार किया जाए तो दया धर्म शर्म उस इंसान के लिए कुछ जीवन में कोई महत्व नहीं रखती। आइए दूसरी कड़ी के बाद जो चला रखे हो तभी साधु से सामना हो जाए और साधु नु कह लगा कि तुम ये गलत कार्य क्यों करते हो। बोला महाराज अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ये सारे काम करने पड़ जाते हैं इंसान को। मजबूरी में इंसान का बैरी बन जाता है, जीव हत्या कर देता है, लेकिन बताते कि 7 जन्म तक उसके दामन से वो पाप छूटता है। सजनों इसी गली के माध्यम से क्या उन्हें कर दिया, क्या होता दिया को आदर भाव सम्मान से बुलाया जाए इंसान को वही जाना चाहिए। अगर इंसान बिना बुलाए जाता है तो उसको उतना आदर सम्मान नहीं मिलता। सदनों इस प्रकार से अंतिम बात के माध्यम से बड़ा सुंदर वर्णन कर दिया कि ये कर दिया Let's go!
अच्छी शादी लाते हो जिसकी चमक निराली बहुत अच्छी शादी लाते हो जिसकी चमक निराली बहुत अच्छी शादी लाते हो जिसकी चमक निराली जिसकी चमक निराली जिसकी चमक निराली Lahore
वो भगवान श्री राम जिसने 14 वर्ष का वनवास काटा, वो सत्यवादी राजा हरिचंद तीनों प्राणी काशी के अंदर बिक गए, और वो दानवी राजा मोहनदास जिसने दान के लिए अपने इकलौते पुत्र का दान कर दिया हो, इसके पल्ले पर क्या छापे मांगे, क्या बताते Thank you.
अपने पार्टी की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। Yeah।
Thank you.